उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश ने आज भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। आप बता दें कल भलसवा लैंडफिल साइट के कुछ हिस्से में आग लग गई थी, जिसको समय रहते ही बुझा लिया गया था। इसी को लेकर आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने अपने अधिकारियों के साथ दौरा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि किन कारणों से भलसवा लैंडफिल साइट पर आग लगी थी, उन्हीं का पता करने के लिए मैं आया हूं। अपने अधिकारियों के साथ एक रिपोर्ट बनवाएंगे, फिर उस पर काम करेंगे कि आखिर आग लगने का क्या कारण रहा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है। महापौर जयप्रकाश ने कहा कि भलसवा लैंडफिल साइट को नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन ये इसको कम करने की बजाय यहाँ राजनीति करते हैं। जब भलसवा लैंडफिल साइट पर कल आग लगी थी तो उसको हमारे अधिकारियों द्वारा 1 से 1.5 घंटे के भीतर ही बुझा लिया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम की टीम उस तेजी से अपना काम करती है। जयप्रकाश जी, भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा करने आए थे, कल आग लगी थी, क्या रहा निरीक्षण? देखिए, किस कारण से आग लगी उन कारणों का पता करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से घटिया राजनीति चल रही है और दिल्ली सरकार जिसको आगे बढ़ करके इस प्रकार के जो लैंडफिल है उस पर कूड़े का जो पहाड़ है वो कम हो, उसमें जो हमारे को सहायता करनी चाहिए वो सहायता तो करते नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। तो आग किस कारण से लगी, कैसे लगी, आज मैं सभी अधिकारियों के साथ आया हूँ। अभी सारी रिपोर्ट हम लेकर के उस पर काम करेंगे, समीक्षा करेंगे, और कल जब आग लगी तो 1-1.5 घंटे के अंदर वो आग बुझा ली गई। इसका मतलब हमारी टीम, जो हमारे अधिकारी है, वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर सिर्फ आरोप लगा रही है, कल सौरभ भारद्वाज ने भी जो है वीडियो ट्वीट किया था यहाँ आग लगने का, बीजेपी पर उन्होंने निशाना। सरकार जो ट्वीट पर ही चल रही है वो कुछ कर तो नहीं रही, कोरोना पर फेल हो गए, प्रदूषण पर फेल हो गए, सफाई में सफाई हम करा रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट हम उठा रहे हैं, कूड़े को ये पहाड़े इसको कम हम कर रहे हैं, ट्रेमल मशीनें हम लगा रहे हैं। तो जो दिल्ली सरकार है उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास विज्ञापन है, उनके पास ट्वीट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। अधिकारियों को आप क्या निर्देश दिए गए? अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे आग की घटना आगे ना घटे, और इसको रोकने के लिए जो भी सार्थक प्रयास कर रहे हैं, जो कदम उठाने वो कदम उठाने चाहिए। हम जो नीचे, तो हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे कैसे लग सकते हैं उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी किसी पर आरोप ना लगा सके। अगर आग नेचुरल लगी है तो उसका सामना आना चाहिए, नेचुरल लगी है और किसने लगाई है तो वो ही पता लगना चाहिए, क्योंकि पीछे किराड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद आग लगा दी, जबकि वहाँ पर उन्हीं का पार्षद था। ऐसे अभी गाजीपुर के अंदर उनके कार्यकर्ताओं ने आग लगाई। तो ये दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन रोकने का जिनकी जिम्मेदारी थी वो उसको रोक तो नहीं पा रहे हैं, कहीं अपने फेलियर को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें तो नहीं कर रहे। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे कैसे लग सकते हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार की स्कीम थी सीसीटीवी कैमरे लगाने की, लेकिन वो यहाँ भी नहीं लगा पाए। ठीक है।